ऊपर भी गोली मारी है, मतलब वो ईंट में लगी तो उसी का छर्रा मेरे लगा, वो मेरे लगा। तो मैंने तो भी वीडियो बना ली, तो वीडियो बना के सब मर गए ना, तो गोली बंदूक लेके भाग गए। यह उस परिवार की बेटी है जिन्होंने मुरैना गोली कांड में अपनी जान गंवा दी थी। घटना के वक्त हुई गोलीबारी का रंजना लाइव वीडियो बना रही थी ताकि ये वीडियो उसके परिवार के 6 लोगों की हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ सबूत बन जाए। रंजना ने बताया कि शुक्रवार करीब 9:30 बजे वह अपने परिवार के साथ लोडिंग ऑटो से गांव पहुंची थी। गाड़ी से उतरते ही आरोपी अजीत और उसके परिवार ने हम पर हमला बोल दिया। चारों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी। मेरे परिवार के लोग मेरे सामने तड़प रहे थे। रंजना ने बताया कि उस पर भी गोली का छर्रा लगा था, फिर भी उसने वीडियो बनाना जारी रखा। घटनाक्रम रहा, हम लोग आए, गाड़ी से उतरे हैं, बस वो लोग गोली लेके आए, मतलब उनको तैयारी थी उनकी। धीरे थे, श्याम वीरवान और अजीत, अजीत ने ज्यादा गोली मारी है, मतलब चार सोनू, ये मोनू, ये सब थे। तो गोली उन्हीं ने, जगराम भूपेंद्र, मैं तो नाम नहीं जानती क्योंकि मैं छोटे छोटे थे तब, तो वहां से मैंने वीडियो बनाया। ऊपर भी गोली मारी है, मतलब वो ईंट में लगी तो उसी का छर्रा मेरे लगा, वो मेरे लगा। तो मैंने तो भी वीडियो बना ली। किस किस को गोली लगी आपके परिवार में? मेरे वीरेंद्र सिंह को लगी है, और संजू सिंह को लगी है, सत्यप्रकाश सिंह को लगी, गजेंद्र सिंह को लगी, मेरे दादाजी, और बबली, और मधु, और केश कुमारी को लगी। ये 7 लोगों को गोली लगी। वीडियो बनाया, फिर पुलिस को सूचना दी? हाँ, मैंने। पुलिस कितनी देर में आ गई थी? पुलिस आ गई 1 घंटे में आ गई थी। बता दें कि शुक्रवार को मुरैना के लेपा गांव में 10 साल पहले हुए विवाद को लेकर एक ही परिवार की 6 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। इनमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल थे। शनिवार को शवों को पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस से शमशान घाट ले जाया गया, जहां पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है। मुरैना से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। एमपी तक